एक नई जानकारी के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें टेक्नोलॉजी के अलावा एजुकेशनल वीडियोज भी उपलब्ध हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों पर शेयर करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने बच्चों की स्कूल फीस घर में बैठकर मोबाइल अथवा कंप्यूटर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसकी मदद से आसानी से किस तरह से पे कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास चाहे मोबाइल हो अथवा कंप्यूटर हो, आपको उसमें गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद SBI कलेक्ट पर जा करके हमें सिंपल टच करना है अथवा कंप्यूटर से एंटर की प्रेस करना है। यह वेबसाइट हमें SBI के पेज पर ले जाती हैं। हमें उसको करके इसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद इसको एग्री किया एंड इसके बाद हमने प्रोसीड पर जा करके बटन दबाया। इसके बाद हमें इस तरह की विंडो नज़र आती हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ें चुननी हैं। सबसे पहले हमें अपना स्टेट चुनना। इस तरह से मैं अपने स्टेट पर जा करके क्लिक करता हूँ। स्टेट चुनने के बाद ये मुझसे इंस्टीट्यूशन का टाइप पूछता है, मुझे किस तरह के इंस्टीट्यूट अथवा स्कूल पर जाना है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशनल के लिए मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का चयन करता हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का चयन करने के बाद मैं गो पर जा कर के सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, इसने इस पर मेरे जो भी क्षेत्र पर स्कूलों हैं, स्कूल का मुझे डिटेल देना शुरू कर दिया है। मेरा स्कूल ये है, मैं अपने इस स्कूल का चयन कर रहा हूँ। ये इसमें मेरा स्कूल आ चुका है जिसका मुझे पे करना है। मैं इस पर सबमिट में जा कर के क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पर जाता हूँ तो इस तरह से मुझे स्कूल से संबंधित जानकारी मिल रही है। इस पर अब मुझे अपना पेमेंट का डिटेल प्रोवाइड करना है और मुझे इसमें कोई डिटेल फिलअप करने हैं। सपोज स्कूल फीस का है तो फीस पर जा करके मैं क्लिक करूँगा। इसके डाउन एरो की पे अलग से ऑप्शन आते हैं। मुझे इसमें अपने स्टूडेंट का नाम और कितना अमाउंट उसे पे करना है वो मैं डिटेल डालूँगा। आप लोग इसमें अपना डिटेल डालेंगे। इस पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। पहले मैं आपको स्टूडेंट का डिटेल लिखना है, फिर इसका अमाउंट लिखना है। रीमार्क ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब इस पर आपको रसीद की प्राप्ति के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड फिलअप करना है। इस पर आपको पहले स्टूडेंट का नाम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आप ये कैलेंडर की सहायता से चयन करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी और ये इसमें कैप्चा कोड डालना है। डिटेल फिलअप करने के बाद आप सबमिट में जा कर के प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें उस स्कूल के पर्टिकुलर रिकॉर्ड से हमें ये चीज़ पे करनी है, इतना अमाउंट हमें पे करना। हम मैंने इसमें कंफर्म पे जा कर के दबा दिया। इस पर मेरे बैंक ने मुझे सूचना दे दी है कि इसमें बैंक का चार्जेज इस तरह से होगा और इसमें चाहे तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पर करेंगे। इस तरह से आप इसको क्लिक कर सकते हो। इस पर ये आपको डायरेक्ट आपकी बैंक की वेबसाइट पर ले जाएगा और आपका पेमेंट चाहे आप नेट बैंकिंग से करें अथवा आप अपने कार्ड का डिटेल डाल करके आप ये पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस पर इस तरह से मेरा डिटेल आ चुका है। मैं चाहे यहाँ से फीस की रसीद प्राप्त कर सकता हूँ। इसका मुझे PDF बना हुआ इस रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से मेरा आ जाता है डिटेल इसमें। इसको मैं चाहूँ भविष्य में भुगतान संबंधी असुविधा से बचने के लिए रख सकता हूँ।
इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।